नमस्ते। आदिपुर सिनेमा को बैन करने के लिए मांग बढ़ रही है, वो OTT से भी निकाल दो बोल के ऐसा कुछ न्यूज़ आया, मगर वो संबंध ही है क्योंकि कल ट्विटर में मैंने देखा कि रावण सीता मैया का गला काटते हैं, मगर ओम रावत और मनोज मुंजशी मुझे बताने में फेल हुए कि किस रामायण से वो प्रेरित है, कि ये सत्य तन से जुदा वाली कॉन्सेप्ट किस रामायण से वो प्रेरित है। मुझे बोल रहे सारे रामायण पहले, मगर बाद में बात पलट दी, तो इससे ये साबित होता है ये कुछ साजिश की वजह से ये फिल्म बनाया गया है, ये किसी न्यू जनरेशन के नहीं माफ़ करने की लायक नहीं है, क्योंकि ये रामायण से प्रेरित है, मगर रामायण को रामायण की तरह पढ़ने से या उसको दिखाने से इनको शर्मिंदगी फील होती है, इसीलिए टाइटल आदिपुरुष रखा गया है। ये आदिपुरुष टाइटल ही गलत है, ये इससे ये पता चलता है ये कुछ कॉन्स्पिरेसी है, इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी से विनम्रपूर्वक अनुरोध करती हूँ इस पर CBI इंक्वायरी हो, इसके लिए ये एंटरटेन करने के लिए ये फिल्म बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो रामायण से या राम मंदिर बनने से वो लोग दुखित है, इसीलिए चाहे उन लोगों के लिए बनाया गया है ये मुझे पता चलना चाहिए CBI इंक्वायरी में। दूसरी बात मैं हिंदू बंधुओं से कहना चाहती हूँ, ये हम लोग बार बार कोर्ट्स में जाने से क्या फ़ायदा होती, इसके कुछ परमानेंट सॉल्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स भी का अपना दायरा है, वो अपने लिमिट्स में काम करती है, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी या आस्था का कोई गुंजाइश नहीं होती है। इधर कोर्ट्स का ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखती है, नहीं तो फंडामेंटल राइट्स देखती है, नहीं तो ह्यूमन राइट्स देखती है, नहीं तो प्रोड्यूसर का मनी देखती है, तो हम इसमें आस्था का कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम बार बार कोर्स गए तो क्या फ़ायदा होगी, इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि हम ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को संरक्षण करने वाले भी कोर्ट्स भी हम अगर कोर्ट्स के अगेंस्ट कुछ कह दिया तो कंटेंट ऑफ कोर्ट बोल देती है, अगर हम किसी को गलती अपना हम दिखाए तो भी वो लोग डिफामेशन केस बनाते हैं। क्या अकेला हमारा आस्था, हमारे जो ऋषि महर्षि इतना श्रम जोड़ के ये बनाया है उसका कोई वैल्यू नहीं है? तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक है हिंदू बंधुओं की, ये हम लोग हमारे वाल्मीकि रायण, वेदव्यास का महाभारत, उपनिषद, सारे कालिदास का ग्रंथ, जो भी अन्य ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक नॉलेज छुपी गई हो, इसका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर आना चाहिए, ताकि ऐसे देर दिमाग डायरेक्टर्स ऐसे फिल्म्स ना बनाए जाए, इससे बनने से पहले ही ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर काम करे तो अच्छा है, नहीं तो इसको वो डिफेमेशन केस में या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट केस में ही ऑटोमेटिकली चली जाए, हमको बैन करने की मांग करने की बार बार बाहर आने की ज़रूरत नहीं होती, अगर ये भी हम नहीं गए तो आगे जनरेशन हमको क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि हम 16th century में हम ब्रिटिशर्स को इतने भगाया गया है देश से, क्योंकि 16th century जब भी इस देश में पाँव रखाया तब उनके जाकर वहाँ पे बल्ब चली वेस्टर्न में फिलोसफिकली साइंटिफिकली, तब तक कुछ नहीं था, यहाँ का अगस्त मुनि का जो बैटरी का कॉन्सेप्ट है वो चुरा के लेकर टेस्ला ग्रुप वाले वो बैटरी बनाते हैं, ऐसे कई विमान सिद्धांत भी वो लोग चुरा के लेके गए, आज का कंप्यूटर भी पाणिनी का ग्रंथ से वो चुरा के ले गए, तो इसका संरक्षण होना चाहिए, इससे ये फ़ायदा होगा, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक कॉपी राइट सिस्टम बनाने से क्या होके जाते हैं उस पर रोक होगी, जो हो गया हम कुछ नहीं कर सकते, आप बोलेंगे अन्य गणित रामायण है उसमें हम कैसे, वो जो बेसिक जो रामायण बोले तो बेसिक हम क्या देखते हैं वाल्मीकि रामायण, अन्य दूसरा होगी उसका एटलीस्ट प्रोटेक्शन होना है, महाभारत बोले तो वेदव्यास एटलीस्ट उनका तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, उपनिषद इसका वेराइटी ऑफ बोले तो जो जितना भी मनोरंजन में जनरंजक और में आया है उसको अब तक जो भी है उसको तो प्रोटेक्ट करिए, बाकी तो हम ये तो अब बुद्धिज़्म ऐसा टाइम नहीं है, ये राजाओं का टाइम नहीं है, एक सेकुलर कंट्री में हम इतना तो प्रबंध करना चाहिए, नहीं तो आगे जनरेशन हमको क्षमा नहीं करेंगे।
मैं कह रही हूँ कि जैसे मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने जैसे आदि पुरुष को बनाया, मैं हम रामायण से प्रेरित है, मगर रामायण नहीं, हम पूरा रामायण नहीं निकाले। और युद्ध कांड ऐसा जिम्मित पे ले करने से हम रोक सकते हैं, सनातन धर्म को ऐसे ही हम नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मोदी जी और योगी आदित्यनाथ से पूछ विनम्र पूर्वक प्रार्थना करती हूँ, आप इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि आपके लिए वो लोग ने थैंक्स कार्ड प्ले किया, इस पर डिले मत कीजिए प्लीज। और प्लीज, आप धार्मिक जीवन में जी रहे हैं तो आपको पता चलता है हमारे धार्मिक गुरु और इनके पास एंडोमेंट एक्ट्स के वजह से टेम्पल से आने वाला मनी नहीं है, वर्शिप एक्ट्स है, जो भी टेम्पल सब है वो अपना नहीं है, तो वो भला कैसे अपना धर्म का संरक्षण कर सकते हैं। इसीलिए धार्मिक गुरुओं को पावर्स होना चाहिए, तो ये पावर्स आप तब भी हासिल होंगे जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सारे ग्रंथ इनके पास हो। और टेम्पल्स को एंडोमेंट्स से फ्री करने का मैं भी इस वीडियो की तरफ से मांग रख रही हूँ, ताकि ये हमारा हिंदू सनातन धर्म का प्रोटेक्शन मिले सही तरीके से। धन्यवाद।